MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मौजूदा तर्ज के मदरसों की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, मदरसे दीन इस्लाम के किले हैं। ये इस्लाम को बागी और महफूज रखने में बहुत ज्यादा मददगार है। इनकी शुरुआत चौथी सदी में हुई। नेसापुर एक जगह है जहां इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के लोग ज्यादा रहते हैं। यहां से इन मदरसों की शुरुआत हुई। नाजरीन, हम सबको मदरसों की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये मदरसे हम लोगों के लिए ईमान और इस्लाम और हमारे इस्लामिक मसले को बाकी रखने वाले हैं। अगर ये ना होते तो आज हम किसके पीछे नमाज पढ़ते? अपनी अपनी उल्टी सीधी नमाजें हमें पढ़नी पड़ती। अगर मदरसे ना होते तो हमारा निकाह कौन पढ़ाता? अगर मदरसे ना होते तो जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो कौन हमारे जनाजे की नमाज को पढ़ाता? अगर मदरसे ना होते तो जब हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके कान में अजान कौन देता? उस बच्चे को अच्छा सा नाम कौन देता? अगर मदरसे ना होते तो एक बेहतरीन से बेहतरीन काजी और इस्लामिक जजेस हमें कहाँ से मिलते? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमारे ये सब अहम मसले मदरसों के जरिए से ही हल हो रहे हैं। इसलिए हमें अपनी हर दुआ में इनकी बका यानी इनके हमेशा मौजूद रहने के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक इनको कयामत तक बाकी रखे और हर वो आँख जो बुराई की नियत से इनकी तरफ उठे, अल्लाह पाक उस आँख को हिदायत देकर उसको इनकी हिफाजत करने वाला बनाए, आमीन। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज़ सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड ज़रूर देखा कीजिए। चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।